नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एजेड न्यूज। खबर आ रही है बाराबंकी से, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मंगलवार को बाराबंकी बदोसराय कोतवाली के बगल मांटेसरी स्कूल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके बाद पूर्व तिथि पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह जनसभा महत्वपूर्ण मानी गई, ऐसा अखिलेश यादव का बयान था। आइए सुने। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई, बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80-90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है, पिछड़ों के पीछे हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम हम लोग करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से भी बात की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने, तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। एईजेड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सबसे पहले खबर पाएं।